ओम ज्ञान्तिमिदन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधापादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। टेक्स्ट 45। तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचार्य युतस्त्रयीमय ततो अर्थ काम अभिनिविशे तत आत्मनाम् शूनाम् कपिनाम् इव वर्णसंकर। Translation: at that time, the people in general will fall systematically from the path of a progressive civilization in respect to the qualitative engagements of the castes and orders of society and the Vedic injunctions. Thus, they will be more attracted to economic development for sense gratification, and as a result, there will be an unwanted population on the level of dogs and monkeys. तो यहाँ पे शमिक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी को बता रहे हैं कि जब परीक्षित जैसे महान राजा नहीं रहते तब क्या होगा, प्रजा गिर जाएगा वैदिक संस्कृति से और वर्णाश्रम जो सिस्टम है पूरे तरह से टूट जाएगा और लोग सिर्फ अर्थ और काम के पीछे लगेंगे, धन कमाना और इंद्रिय भोग करना, और इसके वजह से वर्णशंकरा का मतलब है जो आगे के पीढ़ी हैं वो सही कल्चर्ड नहीं होंगे, मनुष्य के भांति काम नहीं करेंगे पर उनका वृत्ति जो चेतना है पशु के भांति रहेगा। शूनम कपिनाम इव वर्णशंकर, तो जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं या बंदर, यहाँ पे वर्णन आ रहा है शूनम, शूनम मतलब है कुत्ते और कपिनाम का मतलब है बंदर, तो इनके समान पशुओं का संख्या बढ़ेगा, शरीर मनुष्य का होगा बट चेतना और वृत्ति पशुओं का होगा। द वैदिक वे ऑफ लाइफ इज द प्रोग्रेसिव मार्च ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द आर्यंस। तो वैदिक मार्ग मतलब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग में, और ऐसे व्यक्ति को आर्यन बोला जाता है। द आर्यंस आर प्रोग्रेसिव इन वैदिक सिविलाइजेशन। The Vedic civilization's destiny is to go back to Godhead, back home, where there is no birth, no death, no old age and no disease. तो हमारा वैदिक संस्कृति ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को आर्यन बनना चाहिए। आर्यन का मतलब है जिसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, सिर्फ इंद्रिय भोग आहार निद्रा भय मैथुन नहीं, पर उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। उसका लक्ष्य क्या है, मुझे भगवत धाम जाना है जहाँ पे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है।
The Vedas direct everyone not to remain in the darkness of the material world, but to go towards the light of the spiritual kingdom far from the material sky. तो वेद बार बार हमको प्रोत्साहन देते हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो बढ़ाने का मार्गदर्शन देते हैं, ताकि हम हमेशा ये भौतिक दुनिया में न रहें जहाँ पे सिर्फ अंधकार और तमोगुण है। ये भौतिक दुनिया में चंद्र और सूर्य निकाल देंगे तो ये पूरा दुनिया अंधकार में ही है, रोशनी है ही नहीं पूरे दुनिया में। इसलिए वैदिक मार्ग है कि हमको ये अंधकार से निकल के रोशनी की ओर जाना है, तो उसके लिए मार्गदर्शन मिलता है। सो वेद हमेशा हमको ये बोलते हैं, ये अंधकार का ज़िंदगी छोड़ो और रोशनी का ज़िंदगी पे आओ। रोशनी का ज़िंदगी मतलब भगवान की भक्ति और भगवत धाम। द क्वालिटेटिव कास्ट सिस्टम एंड द ऑर्डर्स ऑफ लाइफ आर साइंटिफिकली प्लान्ड बाय द लॉर्ड एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स द ग्रेट ऋषिस। तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, जब लोग अपने वर्ण का पालन करते हैं और आश्रम का पालन करते हैं, ये भगवान ने बनाया है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान गीता में बोलते हैं ये जो चतुर्वर्ण है मैंने बनाया है, ताकि लोगों को मार्गदर्शन मिले और धीरे धीरे अपना भौतिक कार्य करते हुए आध्यात्मिक ओर बढ़ सके। द परफेक्ट वे ऑफ लाइफ gives all sorts of instruction in things both material and spiritual. तो हमारे वैदिक ग्रंथों में आध्यात्मिक ज्ञान भी है और भौतिक ज्ञान भी है। कैसे अच्छे से जिएंगे तो भौतिक तरह से भी खुश रहेंगे और हम अगले जीवन में भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये वर्णाश्रम मार्ग है, अपने भौतिक धर्म का पालन करो, भौतिक रूप से भी खुश रहो, कुशल मंगलता से रहो और आगे जाके भगवत धाम जाओ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ये दुनिया में भी सुख सुविधा और भगवान के धाम जाने के भी सुख सुविधा, वो तरीका है। द वैदिक वे ऑफ लाइफ डज नॉट अलाउ एनी मैन टू बी लाइक द मंकीज एंड डॉग्स। तो वैदिक ग्रंथ मतलब सबको बोलते हैं सभ्य बनो, मनुष्य बनो। जब तक व्यक्ति मनुष्य नहीं बनेगा, शरीर से नहीं वृत्ति से भी चेतना से, तब तक व्यक्ति पशु के भांति ही रहेगा। तो वैदिक मार्ग बोलता है नहीं, हमको पशु योनि से उठ के मनुष्य के जैसा चिंतन करना चाहिए। और मनुष्य का लक्ष्य क्या है कि ये शरीर, मानव शरीर जो है उसका उपयोग करके भगवत धाम की प्राप्ति करना। इसलिए ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए बोलते हैं तपोदव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो बोलते हैं हे पुत्र, ये मनुष्य जिंदगी किस लिए दिया है? तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भोग तो बाकी योनि में भी उपलब्ध है, पशुओं की योनि में भी उपलब्ध है, पर मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपस्या करने के लिए। और तपस्या क्यों? ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम। तो थोड़ा तपस्या करने से हमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, पर अनंत सुख मिलेगा। पशु योनि भी सुख पाता है पर थोड़ा ही सुख पाता है, पर मनुष्य जिंदगी किस लिए दिया है? थोड़ा कष्ट भोगो, थोड़ा तपस्या करो, पर इससे क्या होगा? भगवत धाम जाओगे और वहां पे अनंत सुख मिलेगा। अ डिग्रेडेड सिविलाइजेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन An economic development is the byproduct of a godless or kingless government of the people, by the people and for the people. तो जब प्रजा या सभ्यता हर एक व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय भोग के बारे में और अर्थ के बारे में, काम और अर्थ, पैसा और इंद्रिय भोग का सामग्री, इसके बारे में सोचता है, क्यों होता है ये? क्योंकि जब हर एक व्यक्ति नास्तिक बन जाता है तब जो उसके अंदर गुण कैसे आएंगे, कि नास्तिक है, भगवान पे विश्वास ही नहीं करता, तो गॉडली क्वालिटीज कैसे आएगा? गॉडली क्वालिटीज, भगवान जैसे गुण आने के लिए भगवान को तो मानना पड़ेगा, बिना भगवान को माने भगवान का गुण कैसे आएंगे? संभव ही नहीं है। तो इसके वजह से जब भगवान जिंदगी में नहीं होते या भगवान के प्रतिनिधि राजा नहीं होते और डेमोक्रेसी चलता है और नेताओं का ट्रेनिंग नहीं है,
तब क्या होगा, पशुओं का समान चलेगा। द पीपल शुड नॉट देयरफॉर बिग्रज द पुअर एडमिनिस्ट्रेशन दे देमसेल्स इलेक्ट। इसलिए जब लोग नेताओं को इलेक्ट करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, अरे गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है, पर हमने ही इलेक्ट किया नेताओं को, तो हम वोट देते हैं किसी को पर उसका गुण नहीं देखते हैं, तब क्या होगा, ऐसे जो व्यक्ति है जो उचित नहीं है राज्य करने के लिए, ऐसा जब राजा बनता है या नेता बनता है और वो राज्य करता है, हम उनको दोषी ठहरा के क्या मिलेगा, दोषी तो हम हैं क्योंकि हम वोट दे रहे हैं। तो इस तरह से शमिक ऋषि श्रृंगी को बता रहे हैं, अभी परीक्षित जैसे महान राजा नहीं है तो आगे जाके कली का प्रभाव बढ़ेगा और सब लोग मनुष्य शरीर में रहेंगे पर वृत्ति सब पशु का ही होगा, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज। टेक्स्ट 46। धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहश्रवा साक्षात् महाभागवतो राजर्षि हयमेदया श्रुतृश्रमो युतो दीनो नैवाशम शापमर्हति। ट्रांसलेशन: द एम्परर परीक्षित इज अ पायस किंग, he is highly celebrated and is a first class devotee of the personality of Godhead. He is a saint amongst royalty and he has performed many horse sacrifices. When such a king is tired and fatigued, being stricken with hunger and thirst, he does not at all deserve to be cursed. To shamik rishi bol rahe hain, raja ko samman karna chahiye, parikshit jaise rajao ko kya karna, परीक्षित कौन है, धर्म पालो नरपति, धर्म का पालन करते हुए राजा है, वेरी पायस किंग, पुण्यवान राजा है और भगवान के सबसे उत्तम भक्त हैं, साक्षात महाभागवतो, नॉर्मल भक्त नहीं है, भगवान के फर्स्ट क्लास भक्त हैं, महाभागवत हैं, उत्तम भक्त हैं और उन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किया है, राजर्षि हय मेधायात, बहुत सारे यज्ञ किए हैं लोगों के कल्याण के लिए। तो इसलिए ऐसा राजा जब थका हुआ रहता है, भूखा रहता है और प्यासा रहता है और भूख प्यास के वजह से कुछ गलती करता है, उसको श्राप नहीं देते। परपोर्ट: आफ्टर एक्सप्लेनिंग द जनरल कोड्स रिलेटिंग टू द रॉयल पोजिशन एंड असर्टिंग दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग एंड देयरफॉर इज नेवर टू बी कंडेम्ड, द सेज शमिक wanted to say something about Emperor Parikshit specifically. तो पहले तो शमिक ऋषि बोलते हैं कि राजा को कभी दोषी ठहराया नहीं जाता क्योंकि इतने बड़े कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा दोष हुआ तो उनको उनका कलंक नहीं होता। जैसे एक चंद्र है, चंद्र पे भी काले धब्बे हैं, पर चंद्र में काले धब्बे हैं फिर भी चंद्र सुंदर है। तो वैसे ही एक महान राजा महान हस्ती में थोड़ा गलती करेंगे तो उनका दोष नहीं होता, उनकी निंदा नहीं करने चाहिए। और स्पेसिफिकली यहाँ पे परीक्षित के बारे में बोल रहे हैं, परीक्षित राजा भी नहीं है, भगवान के महान भक्त हैं। द स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ऑफ महाराज परीक्षित इज समराइज्ड हियरिन। तो महाराज परीक्षित के क्या गुण हैं, द किंग इवन कैलकुलेटेड एज अ किंग ओनली वॉज मोस्ट सेलिब्रेटेड एज अ रूलर who administered the religious principles of the royal order. तो परीक्षित राजा के नाते में भी सबसे महान राजा थे जो धर्म का पालन करते हैं। तो इसलिए राजा का कर्तव्य क्या है, राज्य करना, पर खुद का रूल नहीं बनाता, उसका रूल बुक क्या है, भगवान ने दिया हुआ रूल बुक है उसका वो पालन करता है। सो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान का प्रतिनिधि बन के धर्म का पालन करता है। इन द शास्त्रास द ड्यूटीज ऑफ ऑल कास्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी आर प्रिस्क्राइब्ड। तो शास्त्रों में हर एक वर्ण का, हर एक आश्रम का कार्य का वर्णन आता है, राजा का क्या क्या कर्तव्य आता है। भागवतम में भी जब भीष्मदेव ये शरीर छोड़ने वाले हैं तब युधिष्ठिर भीष्म को पूछते हैं राजा का क्या क्या कर्तव्य है,
और बीच में बताते हैं शास्त्र के अनुसार राजा का क्या क्या कर्तव्य है। सो सब मेंशनड है, क्षत्रिय क्या क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ क्षत्रिय मेंशन्ड इन भगवद्गीता 18.43 वो प्रेजेंट इन द पर्सन ऑफ द एम्परर। तो गीता में भगवान हरेक वर्ण के अलग अलग गुण बताते हैं। तो क्षत्रिय का क्या गुण है, उसके पास वीर्यता होनी चाहिए, उसके पास भय नहीं होना चाहिए, उसका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये सब गुण हैं क्षत्रियों के और ये सब गुण सम्राट परीक्षित में उपस्थित थे। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड अ सेल्फ रियलाइज सोल। तो राजा के हिसाब से भी बहुत महान राजा थे, इतना ही नहीं भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे और पूरे तरह से उन्होंने आत्मा साक्षात्कार पाया था। कर्सिंग सच अ किंग व्हेन ही वॉज टायर्ड एंड फटीग्ड विथ हंगर एंड थर्स्ट वॉज नॉट एट ऑल प्रॉपर। तो इतने महान व्यक्ति को श्राप देना और वो भी कब, जब वो भूखे हैं, प्यासे हैं, थके हुए हैं, ऐसा व्यक्ति कोई भी गलती करेगा है कि नहीं। अगर ये सब जो वेग एक साथ आता है, दिमाग किसी का चलता नहीं है ठीक तरह से, थोड़ा बहुत तो गलती होता ही है। इसलिए ये समय पे, ये परिस्थिति में जब परीक्षित का ये घटना था कि वो थके थे, प्यासे थे और भूखे थे, ये अवस्था में उन्होंने छोटा सा गलती किया, उसके लिए मृत्यु का श्राप दिया नहीं जाता। शमिक ऋषि thus admitted from all sides that Maharaj Parikshit was cursed most unjustly. तो इस तरह से शमिक ऋषि उनका केस प्रेजेंट करते हैं, जैसे एक एडवोकेट होता है ना, हर एक दिशा से एडवोकेट प्रेजेंट करता है अलग अलग पॉइंट्स को। तो शमिक ऋषि अलग अलग पॉइंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं और श्रृंगी को बोल रहे हैं ऐसे परीक्षित को श्राप देना उचित नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष है हमारे लिए। Although all the brahmanas were aloof from the incident, still for the childish action of a brahman boy, the whole world situation was changed. हालांकि एक ही ब्राह्मण लड़के ने ये गलती किया, श्रृंगी ने, पर इसका दोष पूरे ब्राह्मण समाज को लग गया और इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है कि पूरे धरती का, पूरे दुनिया का जो दिशा है, परीक्षित जैसे दिशा में लेके जा रहे हैं, पूरा दिशा चेंज होने वाला है। एक ही शराब के वजह से एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो कभी कभी हमारा एक इंसिडेंट के वजह से, हमसे एक अपराध हो जाता है, उसके वजह से पूरा हिस्ट्री, इतिहास ही बदल सकता है। तस ऋषि शमिक अ ब्राह्मण टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल डिट्यूरेशन ऑफ द गुड ऑर्डर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से शमिक ऋषि उत्तरदायित्व लेते हैं कि मेरे वजह से, मेरे और मेरे बेटे के वजह से और हम ब्राह्मणों के वजह से पूरे दुनिया का दशा है दोनों बदलने वाला है। इतना सुंदर तरीके से परीक्षित राज्य कर रहे हैं, अभी जब परीक्षित नहीं रहेंगे पूरे कलि का राज्य चलने वाला है और उसका उत्तरदायित्व शमिक ऋषि लेते हैं। टेक्स्ट 47। अपापेषु स्ववृत्तेषु बालेना पक्व बुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा शन्तुमर्हति। ट्रांसलेशन। देन द ऋषि प्रेड टू द ऑल परवेडिंग पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड टू पार्डन हिज इमैच्योर बॉय हु हैड नो इंटेलिजेंस एंड हू कमिटेड द ग्रेट सिन ऑफ कर्सिंग अ पर्सन was completely free from all sins, who was subordinate and who deserved to be protected. तो इस तरह से शमिक ऋषि प्रार्थना करने लगते हैं भगवान से कि हे भगवान, मेरे बच्चे को माफ करो क्योंकि मेरा बच्चा बालके ना अपक्व बुद्धि ना, क्योंकि ये बच्चा है, उसका बुद्धि नहीं है और इमेच्योर है, उसके पास अनुभव नहीं है। तो बचपना से उसने एक बहुत बड़ा पाप कर लिया, क्यों, क्योंकि उसने ऐसे राजा को, ऐसे व्यक्ति को श्राप दिया जिन्होंने उनके जिंदगी में बिल्कुल पाप नहीं किया है। परीक्षित ने उनके पूरे जिंदगी में बिल्कुल पाप नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को श्राप देना सबसे बड़ा पाप है। तो इस तरह से शमिक ऋषि, क्योंकि
अपने बेटे के प्रति प्रेम है, प्रार्थना करते हैं भगवान से. परपोट, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस, इधर पायस और सिंफुल. हर एक व्यक्ति अपने कार्य के लिए जिम्मेदार है. अगर हम अच्छा कार्य करते हैं या बुरा कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं कि पाप करते हैं, उत्तरदायित्व तो हमारा ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. हमारा जो कर्म है जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं या सुख में हैं, जो भी है, हमको उत्तरदायित्व लेना है. ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है, उसके वजह से मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया, इसके वजह से मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया बोल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म के वजह से हम भुगत रहे हैं. ऋषि शमिक कुड फोरसी दैट सन हैड कमिटेड अ ग्रेट सिन बाय कर्सिंग महाराज परीक्षित, हु डिजर्व टू बी प्रोटेक्टेड बाय द ब्राह्मणास, फॉर ही वॉज अ पायस रूलर एंड कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल सिंस बिकॉज ऑफ दिस बींग अ फर्स्ट क्लास डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो शमिक ऋषि को पता था कि उनके पुत्र ने बहुत बड़ा एक पाप किया है. क्यों? क्योंकि उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया है, जिन्होंने बिल्कुल पाप नहीं किया, भगवान के उत्तम भक्त हैं. भगवान के शुद्ध भक्त पाप कैसे करेंगे? भगवान के शुद्ध भक्त हैं. ऐसा राजा को जब ब्राह्मण रक्षा करनी चाहिए, ऐसा राजाओं को जब ब्राह्मण आशीर्वाद देने चाहिए, उसके पुत्र ने परीक्षित को आशीर्वाद नहीं श्राप ही दे दिया, और वो भी साधारण श्राप नहीं, मृत्यु का श्राप दे दिया. When an offense is done unto the devotee of the Lord, it is very difficult to overcome the reaction. तो जब कोई भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता है, उसका जो फल है, रिएक्शन है, हाँ, उससे बचना बहुत मुश्किल है. Very difficult to overcome. The brahmanas, being at the head of the social orders, are meant to give protection to their subordinates and not curse them. ब्राह्मण क्योंकि ये समाज के सामाजिक शरीर के सर हैं, सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, इसलिए उनके नीचे जो लोग हैं, वर्ण हैं, उनको कभी श्राप नहीं देना चाहिए, उनको आशीर्वाद और उनकी रक्षा करनी चाहिए. देर आर ओकेशंस व्हेन अ ब्राह्मणा मे फ्यूरियसली कर्स अ सबॉर्डिनेट क्षत्रिय और वैश्य एक्सेट्रा, बट इन द केस ऑफ महाराज परीक्षित There were no grounds as already explained. तो बहुत सारे उदाहरण हैं जब ब्राह्मण क्षत्रियों को या वैश्यों को श्राप देते हैं, हाँ, अगर वो कार्य ठीक तरह से नहीं कर रहे. ऐसे भागवत में वर्णन आता है आगे जाके, वेण क्षत्रिय एक राजा था, इतना बड़ा डाकू था, इतना क्रूर व्यक्ति था. जब ब्राह्मण ने देखा कि हमारा उपदेश नहीं सुन रहा है और उसका जो क्रूरता बढ़ता ही जाता है, तो ब्राह्मण ने उसको श्राप देके उसको मार दिया, उसका मृत्यु हो गया. वो चलता है. तो परीक्षित तो वेने की तरह नहीं है. परीक्षित बहुत महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इनको श्राप देने के लिए क्या ज़रूरत है? तो फूलिश बॉय हैड डन इट आउट ऑफ शियर वैनिटी इन बीइंग अ ब्राह्मण सन एंड थस ही बिकेम लायबल टू बी पनिश्ड बाय द लॉ ऑफ गॉड. तो ये जो मूर्ख लड़का है, बालक है, जिसका बुद्धि अपक्व है, तो उसने परीक्षित को श्राप दिया. क्यों? क्योंकि उसको ब्रह्म तेजस दिखाना था, अपना शक्ति दिखाना था, इसलिए इसको निश्चित रूप से इसका दंड मिलेगा और इसको पाप लगेगा. द लॉर्ड नेवर फॉरगिव्स अ पर्सन हु कंडेम्स हिज प्योर डिवोटी. तो अगर भगवान के शुद्ध भक्त का कोई निंदा करता है या शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करता है, शायद शुद्ध भक्त माफ़ करेंगे पर भगवान कभी माफ नहीं करते. देयरफॉर बाय कर्सिंग अ किंग द फूलिश श्रृंगी हैड कमिटेड नॉट ओनली अ सिन बट ऑल्सो अ ग्रेट ऑफेंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए श्रृंगी ने जब परीक्षित को श्राप दिया, उन्होंने सिर्फ पाप नहीं किया पर बहुत बड़ा अपराध किया. अगर कोई पाप करता है तो पाप से मुक्त होने के लिए भक्ति कर सकता है, पर कोई अपराध करता है तो उसका जो भक्ति है वो चला ही जाता है, भक्ति करने का ही शक्ति चला जाता है. कोई पाप किया, भक्ति किया तो पाप मिट जाएगा अच्छे से, फिर से पाप नहीं किया तो, हाँ, पर कोई अपराध किया, भक्ति करने का ही क्षमता मिट जाता है.
तो इसलिए पाप से ज्यादा खतरनाक क्या है, अपराध। तो इसलिए स्पेशली वैष्णव के प्रति अपराध जो है पाप से ज्यादा खतरनाक है। देयरफॉर द ऋषि कुड फोरसी दैट ओनली द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड इट कुड सेव हिज बॉय फ्रॉम अ सिंफुल एक्ट। तो इसलिए शमिक ऋषि को यह पता था, क्योंकि उनका विजन था, उनको दिख रहा था आगे जाके मेरे लड़के का क्या कष्ट होने वाला है ये एक शराब के वजह से जो जो उसने परीक्षित को दिया है। इसलिए शमिक ऋषि बहुत नम्रता के साथ भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे को बचाइए। ही देयरफॉर डायरेक्टली प्रेड फॉर पार्डन फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड हु अलोन कैन अनडू अ थिंग विच इज इम्पॉसिबल टू चेंज। हालांकि अगर कोई महान भक्त के प्रति अपराध करता है उसके जो पाप है उसका जो कष्ट है रिजल्ट है उसे बच नहीं सकता, फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर भगवान चाहेंगे तो ऐसे पाप से श्रृंगी बच सकता है। द अपील वॉज मेड इन द नेम ऑफ अ फूलिश बॉय हु हैड डेवलप्ड नो इंटेलिजेंस एट ऑल। तो प्रार्थना जब करते हैं शमिक ऋषि भगवान के प्रति, वो प्रार्थना करते हैं मेरा लड़का मूर्ख है, पागल है, उसको माफ करो। इसे कोर्ट में भी होता है ना, अगर कोई क्राइम करता है, अगर कोई प्रूफ करेगा कि जिसने क्राइम किया उसका संतुलन, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, अगर यू नो बहुत छोटा बच्चा है या पागल जैसा व्यवहार करता है, तभी कोर्ट कंसिडर कर सकता है, ठीक है अपने सेंसस में नहीं था इसलिए उसने कर दिया। तो वैसे ही शमिक ऋषि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा लड़का पागल है, मूर्ख है, तो इसलिए इसको माफ कर दो। अ क्वेश्चन में बी रेज हियर इन दैट सिंस इट वॉज अ डिजायर ऑफ द लॉर्ड दैट महाराज परीक्षित बी पुट इन टू दैट ऑकवर्ड पोजिशन सो दैट ही माइट बी डिलीवर्ड फ्रॉम मटीरियल एग्जिस्टेंस देन वाई वॉज अ ब्राह्मणा सन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑफेंसिव एक्ट। तो कोई प्रश्न उठे पूछ सकता है कि प्रभुपाद ने बहुत जगह पर बताया है कि कृष्ण का इच्छा था कि परीक्षित को प्यास लगा, भूख लगा, ताकि परीक्षित को श्राप मिले और वो संसार से विरक्ति प्राप्त करे और भागवत श्रीमद् भागवतम सुने। तो कोई प्रश्न पूछेगा अगर परीक्षित के लिए इतना करना था तो बेचारा श्रृंगी को क्यों फंसाया, उसको उसको तो अपराध लग गया, उसके मुख से श्राप निकला। The answer is that the offensive act was performed by a child only so that he could be excused very easily and thus the prayer of the father was accepted. तो हालांकि भगवान का ही इच्छा था कि परीक्षित को श्राप मिलना चाहिए और भागवतम का आगमन होना चाहिए, पर श्राप कौन देगा इसलिए भगवान ने चुना, ठीक है श्रृंगी को देने दो श्राप, क्योंकि बच्चा है, आगे जाके उनके पिता प्रार्थना करेंगे और बच्चे के नाते उसको माफ कर सकते हैं, फाइनली स्मॉल चाइल्ड। बट इफ द क्वेश्चन इज रेज्ड व्हाई द ब्राह्मण कम्युनिटी एज अ होल वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग कली इनटू द वर्ल्ड अफेयर्स द आंसर इज गिवन इन द वराह पुराण दैट द डीमंस हु एक्टेड इनिमिकली टुवर्ड द पर्सन ऑफ गॉड बट वर नॉट किल्ड बाय द लॉर्ड वर अलाउड टू टेक बर्थ इन द फैमिलीज ऑफ ब्राह्मण टू टेक एडवांटेज ऑफ द एज ऑफ कली। तो कोई दूसरा एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है श्रृंगी तो बच गए पाप से क्योंकि बच्चे हैं करके भगवान ने उसको माफ कर दिया, पर पूरे ब्राह्मण समाज पे कलंक लग गया क्योंकि ब्राह्मण समाज के वजह से कली का आगमन हो गया दुनिया में, तो उसका उत्तर क्या है? वराह पुराण में उसका उत्तर आता है कि बहुत सारे असुर हैं जो भगवान के प्रति ईर्ष्या के साथ काम कर रहे थे और जिनको भगवान ने नहीं मारा, जिनको भगवान ने मारा जिन असुरों को, वो तो उनका तो मुक्ति हो गया, जिन असुरों को नहीं मारा ऐसे असुर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं और उनके माध्यम से कली का आगमन होता है। तो कहने का मतलब है कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बनता, तो वराह पुराण के अनुसार राक्षस भी ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकते हैं। तो जन्म से कोई बोल नहीं सकता कि कोई ब्राह्मण है कि शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, कोई बोल नहीं सकता। द ऑल मर्सीफुल लॉर्ड गेव देम अ चांस टू हैव देयर बर्थ्स इन द फैमिली ऑफ पायस ब्राह्मणास
सो दैट दे कुड मेक प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्वेशन. तो भगवान ने ऐसे राक्षसों को अवसर दिया और एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लो ताकि वहां से आप लोग आगे बढ़ सके. बट द डीमंस इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग द गुड अपॉर्चुनिटी मिसयूज द ब्राह्मणिकल कल्चर ड्यू टू बीइंग पफ्ड अप बाय वैनिटी इन बिकमिंग ब्राह्मणस. हालांकि भगवान ने इन दानवों को असुरों को अवसर दिया ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का ताकि वो बाकी ब्राह्मणों का संग करके आगे बढ़ सके भगवान के प्रति भगवत धाम के प्रति, पर ऐसे असुर वो जो अवसर भगवान ने दिया है ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का उसका लाभ नहीं ले सके और घमंड के वजह से उनका और पतन हो गया. द टिपिकल एग्जाम्पल इज द सन ऑफ शमिक ऋषि एंड ऑल द फूलिश सन्स ऑफ ब्राह्मण्स आर वॉर्न्ड हियर बाय नॉट टू बिकम एज फूलिश एज श्रृंगी एंड बी ऑलवेज ऑन गार्ड अगेंस्ट डेमोनिक क्वालिटीज विच दे हैड इन देयर प्रीवियस बर्थ्स. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए हरेक ब्राह्मण के पुत्र को, मतलब किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है उसको सावधान होना चाहिए शमिक ऋषि और श्रृंगी का उदाहरण देख के कि श्रृंगी भी शमिक ऋषि ब्राह्मण का पुत्र था पर उसके अंदर सद्गुण नहीं थे, अच्छे गुण नहीं थे. क्यों? क्योंकि उसका पहला असुर परिवार में शायद उसका संग हुआ होगा, उसके अंदर असुरिक वृत्ति अभी भी थे, जो सही ब्राह्मण का गुण है वो विकसित कर नहीं पाया. इसलिए किसी को ब्राह्मण को नहीं सोचना चाहिए मेरा भी जन्म हो गया ब्राह्मण परिवार में इसलिए मैं हमेशा ब्राह्मण रहूँगा, नहीं, केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि बुरे लोगों का संगति करेंगे तो असुरी वृत्ति ही बढ़ने वाला है. द फूलिश बॉय वॉज ऑफकोर्स एक्सक्यूज बाय द लॉर्ड बट अदर्स हु मे नॉट हैव अ फादर लाइक शमिक ऋषि विल बी पुट इन टू ग्रेट डिफिकल्टी इफ दे मिस यूज द एडवांटेजेस ऑब्टेन्ड बाय बर्थ इन अ ब्राह्मण फैमिली. तो श्रृंगी तो बच गया, अपराध किया उसने, असुरी वृत्ति उसके अंदर आ गया पर बच गया. क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत महान पिता थे शमिक ऋषि की तरह. पर अगर किसी कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है और शमिक ऋषि की तरह महान पिता नहीं है और वो बुरा कार्य करता है तो वो पाप से बच नहीं सकता, उसको भुगतना पड़ेगा. इसलिए ब्राह्मणों को भी बहुत ध्यान से रहना चाहिए कि घमंड नहीं आना चाहिए. एक बार घमंड आ गया तब क्या हो गया? तब पतन हो जाएगा. इसे इंग्लिश में सेइंग है प्राइड कम्स बिफोर द फॉल. पतन के पहले क्या आता है? घमंड आता है. घमंड आ गया मतलब लक्षण है, पतन निश्चित है, 100% इस फॉल डाउन इज गोइंग टू हैपन. एक कहानी है, एक बार एक ब्राह्मण था जो बराबर तीनों समय डॉट टाइम पे उसका संध्या वंदन करता था, उसका गायत्री करता था. तो एक दिन क्या हो गया, सो गया, वो गायत्री करना भूल गया. तो कली ने आके उसको उठाया, गायत्री का समय हो गया, उठो गायत्री करो. तो उठ के गायत्री किया और बाद में उसको पूछने लगा कली को, तुम कब से सुधर गए? तुम्हारा काम है धर्म से रोकना लोगों को धर्म करने से, तुम मुझे उठा के प्रोत्साहन दे रहे हो गायत्री करने के लिए, ऐसा क्यों? बोल रहा है नहीं, जब आप रेगुलरली गायत्री करोगे तब क्या होगा, आपको घमंड आएगा, देखो मैं कितना अच्छा ब्राह्मण हूँ. जब वो घमंड आएगा तब ऑलरेडी मैं आपके अंदर प्रवेश कर चुका हूँ. तो कहने का मतलब है सब करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नम्र रहना. अगर नम्र नहीं है तो बाकी गुण का कुछ फायदा ही नहीं है. इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे ब्राह्मणों को बहुत सावधान रहना चाहिए घमंड से, बुरे संगति से, ताकि हमारे हाथों पाप न हो और कली का हम माध्यम न बने ये दुनिया में कली का आगमन होने के लिए. तो हम टेक्स्ट 48 से और दो तीन श्लोक बाकी हैं, कल सुबह कंप्लीट करेंगे. हरे कृष्णा.